स्टार्ट आज की वीडियो यह हमारा स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर पर रिलेटेड है जैसा कि आप ये ट्रांसफार्मर देख रहे हैं हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जो कि ये एक स्टेबलाइजर का है आप सोच रहे होंगे कि ये मैनुअल या ऑटोमेटिक है तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये हमारा ये जो देख रहे हैं ट्रांसफार्मर यह प्योर ऑटोमेटिक है इसको जो वाइंडिंग हुई हुई है वो हमारी ऑटोमेटिक में है और ये ये अल्मीनियम में है तो कॉपर नहीं है कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हम कॉपर में बनाएँ या अलमोनियम बनाएं तो आप कॉपर में भी बना सकते हैं और अलमोनीय में भी बना सकते हैं कॉपर में भी वही वर्किंग करेगा अलमोनीम भी वही वर्किंग करेगा कॉपर का वायर यूज़ करेंगे आप उसमें यह होता है कि आपकी आज वर्निंग होती है अगर आप मान ली इसकी वोल्टेज हाई आ जाती है आपके घर में बिजली हाई आ जाती है उस केस में ये हमारा कॉपर जल जाता है तो कॉपर जलने से ये तो हम कॉपर को दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं लेकिन अल्मीनियम क्यों हमारा री यूज़ नहीं हो पाता है इसलिए हम कॉपर यूज़ कर लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं है आप अल्मोनियम हाई क्वालिटी का यूज़ करेंगे तो आपकी ये स्टेबलाइजर का जो ट्रांसफार्मर है बिल्कुल सही वर्क करेगा तो इसके विजल देख रहे हैं आप ये हमारा ट्रांसफार्मर है तो ये देख लें तो इसके आप इंचज़ पूछेंगे कितने इंचज़ है तो ये हमारे साढ़े तीन इंच का ये स्ट्राइक है इसमें जो स्ट्राइक है वो हमारा साढ़े तीन इंच है और इसका बॉबिंग का जो नंबर है वो हमारा आठ नंबर है और बॉबिंग की स्ट्राइक है वो साढ़े तीन साढ़े तीन इंच है बॉबिन भी आठ नंबर है तो इसमें जो वायर हमारा यूज़ हुआ हुआ है वो बारह नंबर का वायर यूज़ हुआ हुआ ये हमारा वायर जो देख रहे हैं ये हमारा बारह नंबर का वायर यूज़ हुआ हुआ तो नेक्स्ट वीडियो हम इस पर इसके ट्रांसफार्मर डाटा पर रिलेटेड रहने वाला तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें शेयर करें कमेंट करें तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं टेन के बी की एट के बी की तो थ्री के बी के मैं नहीं दिया हूँ थ्री के बी वाला भी मैं आपको ट्रांसफार्मर डाटा दे दूंगा किस तरह आप वाइंड कर सकते हैं इसे वाइंडिंग करना ईजी है आप घर बैठे ही इसे वाइंडिंग कर सकते हैं तो आपके पास वाइंडिंग मशीन होनी चाहिए तो आप इजी वाइंडिंग कर सकते हैं तो ये इसका विजुअल देख रहे हैं ये हमारा जो देख रहे हैं ये ये वायर ये हमारा फीडबैक का कुछ लोग क्या करते हैं कि अलग से आप एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर यूज़ कर लेते हैं तो वो बिल्कुल सही वर्क नहीं करता है तो मैं क्लियर कर देता हूँ इसमें जो वायर यूज़ होता है हमारा वो ट्रांसफार्मर से वाइंड करके निकाल लें इसको फीडबैक बोलते हैं इसको फीडबैक वोल्ड फीडबैक की वायर बोलते हैं जो कि आपको किट में लगाने से वोल्टेज रेगुलेट करके आपको किट को ऑन लगता है रेलवे को ऑपरेट करने के लिए ये हमारा वायर यूज़ होता है तो आप इसी में वाइंडिंग कर लें एक्स्ट्रा अलग से ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो वो जल जाती है तो अलग से ट्रांसफार्मर लगाने से फायदा नहीं है आप इसी में वाइंडिंग करके इसमें आप निकाल सकते हैं लूप ये लूप हमारा निकला हुआ है ट्रांसफार्मर का इसे हम बोलते हैं फीडबैक तो ये हमारा तीन वायर है तो मैं क्लियर कर देता हूँ इसमें कौन सी वायर कहाँ यूज़ होगी तो ये देख रहे हैं ये हमारा सोलह वोल्ट का ये आउटपुट वोल्टेज इसमें निकली है तो हमारा चौबीस वोल्ट का रिले यूज़ होगा इसलिए हम इसमें सोलह वोल्ट आउटपुट निकालें अगर आप बारह वोल्ट निकालेंगे तो इसमें आप 10 वोल्ट के करीब इसमें फीडबैक वोल्टेज निकालें 12 वोल्ट के रिले के लिए लेकिन 24 वोल्ट के लिए आप uh, 16 वोल्ट भी देंगे या 20 भी वोल्ट देंगे उस समय भी ये हमारा वोल्टेज को रेगुलेट कर लेता है इसलिए आप 24 वोल्ट का रिले यूज़ करें जो कि आपकी स्टेबलाइजर uh, के लिए बिल्कुल सही रहेगी तो आप फीडबैक ट्रांसफार्मर से निकालें अलग से यूज़ ना करें अलग से यूज़ करने से ख़राब हो जाता है ट्रांसफार्मर हमारा वो सही आ, वर्क नहीं करता है तो ट्रांसफार्मर से यूज़ करेंगे वो सही वर्क करेगा तो इसकी जो वायर गेज है ये देख रहे हैं आप ये भी एल्युमिनियम में ये अलूमिनियम में और ये हमारा उन्नीस नंबर का वायर है क्योंकि हमारा रियल हाई एम का लगेगा उसको ऑपरेट करने के लिए आपको हाई वोल्टेज के लिए इसको जनरेट करना पड़ता है इसलिए हम इसमें जो वायर यूज़ कर रहे हैं वो हैवी गेज का यूज़ कर रहे हैं उन्नीस नंबर का वायर है और ये हमारा बारह एच डब्ल्यू जी वायर यूज़ हुआ हुआ ये अल्मोनियम है ये कॉपर नहीं है आप कमेंट करेंगे मुझे ये कॉपर में इसे बैंड करें या अल्मोनियम में करें तो भाई दोनों सेम ही रहता है अलमोनियम यूज़, यूज़ करेंगे वो भी सही रहेगा और कॉपर यूज करेंगे वो भी सही रहेगा कॉपर की भी वही बैंडिंग है अल्मोनियम में भी वही बैंडिंग है तो ये देख लिए ये हमारा पाँच लूप निकलता है ट्रांसफार्मर से जो कि एक न्यूट्रल होता है तो मैं न्यूट्रल बताना भूल गया ये देख रहे हैं ये हमारा ट्रांसफार्मर से न्यूट्रल निकला हुआ जो कि ये इसे कॉमन वायर बोलते हैं जो कि आपके घर के न्यूट्रल पर कनेक्ट रहेगा ये न्यूट्रल वायर है और ये हमारा जो देख रहे हैं पाँच वायर ये वायर देख रहे हैं पाँच ये हमारा रिले पर कनेक्शन होता है इसे कनेक्शन करना सीखना चाहते हैं तो आप कनेक्शन में मुझे कमेंट करें मैं आपको सिखा दूंगा इसे रिले पर किस तरह कनेक्शन करना है तो नेक्स्ट वीडियो हमारा इस ट्रांसफार्मर डाटा पर रिलेटेड रहेगा तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं तो आज की वीडियो में इतना ही अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए थैंक यू